संख्यक उन्नति मतलब गिनती में भी लोग बढ़ने चाहिए, लोग ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा लोग आने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, जितने भी लोग हों बस अच्छे होने चाहिए, चाहे 40 लोग हों अच्छे होने चाहिए 40 लोग। लोग ये बोलते हैं, नहीं ये गलत है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हमारे चर्च में बस 40 ही लोग रहे और उतना ही चलेगा, ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य जब कहते हैं कि जाओ और प्रचार करो, चेले बनाओ, तो किनको चेले बनाना? लोगों को, एक एक करके। मतलब कलीसिया में लोग क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारा दर्शन है, हमारा सपना है, हमारा बोझ है, हमारी प्रार्थना है कि अगर आज चर्च में 150 लोग आ रहे हैं तो कल के दिन 300 भी आना शुरू हो, और फिर एक समय आए जब एक और सत्संग भी शुरू करना पड़े, और से भीड़ की भीड़ आनी चाहिए। ये है हमारी प्रार्थना। पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि शायद प्रभु किसी भी कलीसिया को, और हमारी कलीसिया की बात करता हूं, शायद प्रभु हमें नए लोग नहीं दे रहा क्योंकि हम लायक नहीं है उनको संभालने के, क्योंकि प्रभु हमें अपनी भेड़ देगा। अगर हम प्रभु की भेड़ को नष्ट कर देंगे, अगर हम प्रभु की भेड़ को भटकाने वाले लोग बन जाएंगे, तो प्रभु क्यों अपने लोग हमें देगा? आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमें नए लोग चाहिए, उनको संभालने वाले भी लोग यहाँ पे होने चाहिए, जो नई नई भेड़ों को, जिनका अभी अभी आत्मिक रूप से जन्म हुआ है, हम उनको अपनी बाहों में उठा के उनको प्यार करें, उनको वचन सिखाएं परमेश्वर के बारे में, उनकी सेवा करें। अगर आप तैयार नहीं हो, अगर आपकी आत्मा, आपका दिल तैयार नहीं है लोगों को ग्रहण करने के लिए, तो प्रभु नहीं देगा। आपको भी तैयार रहना है। इसलिए आपका दर्शन, आपका सपना होना चाहिए कि प्रभु का राज्य बढ़े, मेरी कलीसिया में और लोग आएं। और इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, अपने आप को मेहनत करनी है, और अपने आप को तैयार भी करना है कि आप लोगों की केयर कर सके। खासतौर पे वो लोग जो काफी समय से आ रहे हैं चर्च, आप समझ रहे हैं मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। जो लंबे समय से आ रहे हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। क्योंकि एक आदमी खड़ा होकर पूरे चर्च को नहीं संभाल सकता, और ना ही ये प्रभु का तरीका है। हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। कलीसिया का अगुवा, पास्टर या चरवाहा, वो केवल हमारी मदद करता है वो काम को करने के लिए। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, अपने आप को तैयार करना है, और संख्यक उन्नति के लिए, ज्यादा लोग आए इसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। हमें चाहिए ज्यादा लोग, हम चाहते हैं और लोग आए। बाइबल सिखाती है इस चीज के बारे में। हम देखते हैं कि जब प्रभु ने अपने 12 चेलों को चुना, फिर प्रभु के उसके बाद 70 चेले अलग थे, फिर जब पवित्र आत्मा का दिन आया, 120 लोग वहां पे जमा थे। गिनती लिखी, बाइबल में गिनती लिखी हुई है, 120 लोग वहां पे जमा थे। फिर हम देखते हैं कि देखते ही सब लोग ध्यान रहे, अभी कितने लोग हैं? सारे बोलो कितने लोग हैं? 120। लेकिन देखो, देखते ही देखते कुछ ही समय में क्या हो गया, 41:2 प्रेरितों के काम। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, जिन लोगों ने पत्रस का वचन ग्रहण किया, प्रचार को सुन लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। अब कितने हो गए हैं? पहले कितने थे बोले? सारे 120, अब कितने हो गए हैं? 3,000। संख्या की बात है ना, संख्या बढ़ रही है। हम देखते हैं बाइबल में कि संख्या बढ़ती है। 2:47 पढ़ें, आगे क्या लिखा है? वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हाँ, लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ? और जो उद्धार पाते थे, हाँ? पाते जाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। हाँ, जो लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, हर रोज कलीसिया में क्या हो रहा है? नए नए लोग जुड़ रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? डेली, हर रोज नए नए लोग चर्च में जुड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रही है, कलीसिया बढ़ रही है। प्रेरितों के काम 4:4 में क्या हो गया? 120 थे, 3,000 हो गए, फिर और जुड़ रहे हैं, हर रोज लोग जुड़ रहे हैं, फिर 4:4 में क्या हुआ? फिर भी वचन के सुनने वालों में से, हाँ? बहुत लोगों ने विश्वास किया। हाँ? और उनकी संख्या लगभग 5,000 पुरुषों की हो गई। अब कितने हो गए? कितने हो गए?
5000 लोग कलीसिया में बढ़ गए, 120 थे, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर क्या हो गया, 5000 लोग कलीसिया में आ गए। 5:14 देखें, प्रभु पर विश्वास करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ उनमें निरंतर मिलती जा रही थी। हाँ जी, तो ये 5000 के बाद की बात है, अभी कितने हो गए, 5000। लेकिन 5000 होने पर पास्टर ने नहीं घोषणा करी, अबे यार 5000 लोग अब और नहीं आने चाहिए, अभी संभालने मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्या हो रहा है, 5000 के बाद भी क्या आ रही है, भीड़ की भीड़। सारे बोले क्या आ रही है, भीड़ की भीड़, हर रोज महिलाओं की भीड़, पुरुषों की भीड़ हर रोज उनके बीच में जुड़ रही है और कलीसिया बढ़ते जा रही है। 5:28 में क्या हुआ, बहुत सुंदर दृश्य इसमें हम देखते हैं। 5:28 में, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश न देना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को, प्रभु के विरोधी जो लोग हैं, जो प्रभु के विरोधी हैं, वो लोग मसीही लोगों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तुमने, हमने तुम लोगों को मना किया था यीशु का नाम नहीं फैलाना, लेकिन तुम लोगों ने क्या कर दिया, सुनो, तुमने फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है। हालेलुया। वो विरोधी बोल रहा है, विरोधी बोल रहा है कि तुमने पूरे शहर को प्रभु के नाम से भर दिया है। सोचो गुड़गांव शहर प्रभु के नाम से भर जाए, सोचो गुड़गांव का हर एक आदमी, हर एक नौजवान, हर एक बच्चा, हर एक काम करने वाला, हर एक व्यक्ति जो गुड़गांव में रहता है, हर एक अपार्टमेंट में रहने वाला, हर एक गांव में रहने वाला, सोचो जरा, गुड़गांव शहर प्रभु के नाम से भर जाए। हालेलुया। वहां पे क्या हुआ, और विरोधी बोल रहा है, मतलब झूठ नहीं है, क्योंकि विरोधी जो बोलेगा अपने उससे बोलेगा ना, वो कह रहा कि तुमने पूरे शहर को सुसमाचार से भर दिया है। हालेलुया। सोचें, आपके मन में वो सपना होना चाहिए, गुड़गांव शहर प्रभु के नाम से भर जाना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, बहुत सारे वचन है, मैं अभी सिर्फ आगे में बढ़ूंगा, लेकिन फाइनली देखो 21 में क्या हुआ, प्रेरितों के काम 21:20, संख्या बढ़ती जा रही। सारे बोले संख्या बढ़ रही है, सारे बोले संख्या बढ़ रही है, ओके। और अब क्या होता है, 21:20, यह सुनकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उससे कहा, भाई तू तो देखता है कि यहूदियों में हजारों लोग हैं। अब कितने हो गए, जिन्होंने विश्वास किया है, हजारों लोगों ने एक ही शहर में, हजारों लोगों ने क्या किया है, विश्वास किया है। तो मैं आपको ये इसलिए ये वचन दिखा रहा था, आपको ये बताने के लिए कि बाइबल में संख्यक उन्नति को हम देखते हैं। मत खुश बैठो अपने 80 और 100 लोगों के चर्च को लेकर के, परमेश्वर के हाथों में है हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आपका दर्शन, आपका सपना, आपकी प्रार्थना है कि नहीं कि कलीसिया और आगे बढ़े और ज्यादा लोग चर्च में आने चाहिए, आपका सपना है कि नहीं, हाँ या ना। तो सोचो, ये आपका काम है सोचना, ये सिर्फ पास्टर नहीं सोचता है। जो कलीसिया उत्तम होती है, बढ़िया होती है, वचन के आधार पे होती है, वहां पर केवल पास्टर घुटनों पे होके नहीं रोता, खुदा मेरा चर्च बढ़ा दे, लोग रोते हैं, परमेश्वर नए नए लोग हमें दे दे। कलीसिया का हर मेंबर ये सोच रखता है, क्योंकि वहां पर भी उद्देश्य ये नहीं है चर्च बढ़ जाए, उद्देश्य क्या है, लोग बचे, उद्धार पाए, नरक जाने से बचे, मुफ्त है उद्धार, मुफ्त है, लोग ग्रहण करें और खुदा का नाम जलाल पाए। इसलिए संख्या के द्वारा वो दृश्य पता चलता है, संख्या के द्वारा ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, मतलब खुदा की ज्यादा महिमा हो रही है। सो अपनी प्रार्थनाओं में रखें इस बात को, प्रभु चर्च को बढ़ा दे और लोग हमारे साथ जोड़, प्रार्थना करनी है हमें कि और लोग कलीसिया में आए। आगे, प्रे फॉर अ चर्च दैट स्टिक्स टू इट्स विजन, एक ऐसी कलीसिया, यीशु नाम सत्संग DBF के लिए प्रार्थना करें कि वो अपना दर्शन जो उसको प्रभु ने दिया है उस दर्शन के साथ जुड़ा रहे, और कलीसिया जुदा ना हो, और कलीसिया अपने दर्शन से अलग ना हो, कलीसिया अगर जो दर्शन हमको प्रभु ने दिया है उस दर्शन के साथ जुड़ी रहे। संख्यक उन्नति सिर्फ यीशु नाम सत्संग की थोड़ी होनी है, संख्यक उन्नति पूरे परमेश्वर के राज्य में जितनी भी कलीसियाएं हैं सबकी संख्यक उन्नति होनी चाहिए। और हमें प्रार्थना, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करनी कि हम इस काम को कर पाएं और कलीसियाएं, नई नई कलीसियाएं हम स्थापित कर सकें।
और आप लोगों में से बाहर से लेकर नहीं आना, आप लोगों में से लीडर खड़े करें जो जाएं, बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए सत्संग में, अब जाओ और कहीं पे जाकर के चर्च चलाओ या जो सेवा आपको करनी है आप कर सकें। आपका सपना वाईएनएस की लाइफ टाइम मेंबरशिप थोड़ी है, आपका सपना जो है, आपकी जो इच्छा है वो सत्संग की सारी उम्र मेंबर बन के रहना है, ये बहुत छोटा सपना है। सपना क्या होना चाहिए, परमेश्वर तू क्या काम मुझसे लेना चाहता है ले ले, ये सपना है। हो सकता है प्रभु आपको अब यहां से कहीं भेजना चाहता है। तो इसलिए कलीसिया की उन्नति, कलीसिया बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करना मेरे भाइयों बहनों ये आपका काम है। मेरी आशा कि मैं जो बोल रहा हूं कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। प्रे फॉर अ चर्च दैट इज एक्टिव इन इवेंजलिज्म, एक ऐसे चर्च के लिए प्रार्थना करें जो सुसमाचार प्रचार करने में एक्टिव हो, दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए जो एक्टिव हो, जो चर्च, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हम ईस्टर में या क्रिसमस में 10-10, 12-12 हजार बाइबल और पर्चे बांटते हैं, क्या वही सुसमाचार प्रचार है? मैं आपको बोलना चाहता हूं सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा असर लाने वाला, असरदायक, असर जिसका एक हम फल देखें, वो सुसमाचार प्रचार कैसा होगा? जब आप अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के जीवन में, खास तौर पे आपके मित्रों के जीवन में जिनके साथ आप रोज रोज उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करें ताकि उनके जीवन में आप सुसमाचार बता सकें। परमेश्वर आपको, जहां पे आपको परमेश्वर ने रखा है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है परमेश्वर से, दुआ करके, परमेश्वर मुझे मेरे लिए एक ऐसा मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे परमेश्वर कि मैं किसी को तेरे बारे में बता सकूं। दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए आप लोगों को परमेश्वर से अवसर मांगना है, और वो ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया फिर छोड़ दिया। मैं सुबह बता रहा था कि आपकी बाइबल में शायद पहले पन्ने पर 2 या 3 लोगों के नाम होने चाहिए, कम से कम कितने, 2 या 3 लोगों के नाम होने चाहिए जो प्रभु को नहीं जानते, और आपकी बाइबल के पहले पन्ने पर उनके नाम लिखे हो, और आप फिर कम से कम 1.5 साल 2 साल तक, शायद उससे भी ज्यादा, आप उनके साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए कोशिश करें। पहली बार आप उनके पास जाएंगे वो हंस देंगे आपके ऊपर, फिर आप ये नहीं बोलेंगे अरे यार मैंने गलत कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई यार, मुझे ना ये सब करने नहीं चाहिए। प्रभु अपने आप करेगा इनको, प्रभु तू ना इनको सपने में दर्शन दे दे, मैं नहीं बोलूंगा, आप दर्शन दे दो प्रभु, क्योंकि बेइज्जती महसूस हुई ना, ये इसका हिस्सा होगा, सुसमाचार प्रचार करने का ये हिस्सा होगा। पहली बार आपने किसी को बताया, उसने आपके ऊपर हंस दिया, आप अपने कक्ष में गए, प्रार्थना के कक्ष में गए, और आप रोने लगे परमेश्वर से, परमेश्वर इस व्यक्ति को मैंने तेरे बारे में बताया, ये हंसने लगा, खुदा मेरे दिल को और हिम्मत दे, और परमेश्वर मैं अभी 1 महीने इसको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपसे हर रोज प्रार्थना करूंगा इस व्यक्ति के लिए, परमेश्वर तू इसके मन को तैयार कर। फिर 1 महीने के बाद अवसर ढूंढ रहे हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं आपको, आप चांस ढूंढ रहे हैं किस प्रकार बातों बातों में आप उसको प्रभु के प्यार के बारे में बता सकें, फिर आप दोबारा बताएं। और दूसरी बार वो उसको खुंदक आ गई आपके ऊपर, क्या आ गई, खुंदक आ गई, यार ये यीशु मसीह के बारे में मुझे क्यों बताता रहता है। फिर आप फिर जाएं प्रभु के पास, प्रभु पहली बार मैं उसके पास गया था, प्रभु जी उसने मेरा मजाक उड़ाया, खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करके 1 महीने के पास उसके पास गया प्रभु जी उसे गुस्सा आ गया, परमेश्वर मैं तुझसे दुआ करता हूं तू मेरे दोस्त का दिल बदल दे। फिर आप 2 महीने 3 महीने कुछ ना बोलें लेकिन हर रोज उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन इस 2-3 महीनों में शुरू से लेके आप हमेशा के लिए उसके दास बन जाएं, उसको प्यार दिखाएं। आपका काम सिर्फ किसी की मुंडी पकड़ के उसको ये बोलना नहीं है, हाँ भाई तुझे पता तू पापी है, यीशु पे विश्वास कर और तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, ऐसा ये चलेगा क्या? हमें क्या करना है, जिसको हम चाहते हैं कि वो प्रभु में आ जाए उस व्यक्ति की सेवा करनी है, उसको प्यार करना है, उसको प्रेम दिखाना है, सच्चा प्रेम करें, उसकी मदद करें, उसके जीवन के सुख दुख में आप खड़े रहें, आपकी गवाही उसके सामने मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन जिस तरह से आप उसको प्यार करते हैं वो उसकी जिंदगी में उसको नजर आना चाहिए, ताकि आपके बोलने में एक अधिकार आ जाएगा। उसके लिए समय लगेगा, शायद 6 महीने लगेंगे, शायद 1 साल लगेगा,
कि आपने बस निस्वार्थ भावना से उसको प्यार किया है, उसकी मदद की है, उसके साथ आपने उसके जीवन के सुख दुख में आप खड़े रहे, उसके घर पहुंचे, उसके दुख की घड़ी में, उसके खुशियों के पल में आप जाकर के उसकी खुशियों में आप शामिल हो गए। वो यीशु मसीह को नहीं जानता ना मानता, आपके ऊपर हंस भी चुका है, आपका मजाक भी उड़ा चुका है, गुस्सा भी हो चुका है, लेकिन आप उसको प्यार कर रहे हैं। और जब ऐसा करते रहेंगे परमेश्वर दया करेगा, हालेलुया। लेकिन आप अवसर बातों में किस हो सकता अपनी गवाही बताएं, हो सकता आपने चर्च में जो सीखा बातों में आप उसको बताएं, कल मैं चर्च सत्संग गया था, मैंने ये सीखा, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, आपको पता दोस्त ऐसा लिखा है बाइबल, बातों में आप ला सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपको यही बताना है और ऐसे ही करना है। खुदा से हर रोज प्रार्थना करें, खुदा तू मुझे अवसर दे, और जब मुझे अवसर मिल जाता है तू मेरे मुंह में शब्द डाल, ताकि मैं जब कुछ बोलूं तो आत्मा की शक्ति उसमें हो और उसके दिल में जाके वचन काम करे। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये उत्तम तरीका है, लेकिन शायद दो या तीन लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए जो प्रभु को नहीं जानते, दो या तीन लोग, और वो आपके निशाने पर होने चाहिए। आप उनको प्यार दिखाते रहें, प्रभु के बारे में बताते रहें, उनको प्यार दिखाते रहो, प्रभु के बारे में बताते रहो, प्यार दिखाते रहो, प्रभु के बारे में बताते रहो। एक दिन दिल बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर है दिल बदलने वाला, पवित्र आत्मा हमें रीजेनरेट, हमें अंदर से नया कर देता है। वो पल वो घड़ी कोई नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है, और वो व्यक्ति जिसके दिल में वो घड़ी आ जाती है वो जानता है। क्या पता वो कब हो जाए, क्या पता वो एक दिन आप रात में 11 बजे उसके घर में चाय पीने गए, चल यार चाय पीते हैं, और आप चाय पीते पीते प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता वो घड़ी होगी, हो सकता है उसके उसके जीवन में कोई दुख की घड़ी होगी, आप उसके साथ एक साल से आप उसको प्यार कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, और उसकी दुख की घड़ी में जब आपने उसको बताया यीशु मसीह के बारे में, शायद उस रात 12:30 बजे जब वो दुख की घड़ी में है आपने प्रभु का वचन बताया, वहां पर पवित्र आत्मा ने उसके दिल को नया कर दिया। पवित्र आत्मा, ये पवित्र, बाय द वे ये काम किसका है, ये पवित्र आत्मा का काम है। आपके शब्दों से कोई नहीं बदलता, परमेश्वर की शक्ति से बदलता है। आपके शब्द और आपका प्रयास वो केवल मात्र माध्यम है जिसके जरिए खुदा काम करता है लोगों की जिंदगी में। इसलिए मौका मिलता है ना, मौका उसे जाने मत दें, बताओ प्रभु के बारे में, बाइबल पे विश्वास करो। बाइबल कहती है कि फसल तैयार है, काटने वाले चाहिए, हालेलुया, लोग तैयार बैठे हैं सुनने के लिए, आप जाके बताएं। इसलिए एक ऐसी कलीसिया बनने के लिए दुआ करना जो इवेंजलाइजेशन करे, जो प्रचार करे, यीशु मसीह के नाम के बारे में दूसरों को बताए, हमेशा ढिंडोरा पीट के नहीं, नगर कीर्तन करके नहीं, और 12,000 पर्चे बांट के नहीं, लेकिन एक संबंध के द्वारा। एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया, उस व्यक्ति के साथ मैं 1.5 साल तक मैं मुशक्कत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और उसको प्रभु के बारे में बताऊंगा। इस तरह का सुसमाचार प्रचार का कल्चर आप अपने जीवन में लेके आए। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है। और बहुत बार हम जब किसी को बताते हैं और वो नहीं सुनता या कुछ उल्टा जवाब देता है तो हम खुंदक में आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब किसी को बताया वो गुस्से में आ गए तो हम गुस्से पे उतर आए, फिर हमारा मकसद ही बदल गया। हमारा फिर मकसद क्या है, उसको हराना, जो वो कह रहा है उसको हराना हमारा मकसद बन गया। अरे हमारा मकसद उसको हराना नहीं, हमारा मकसद उसको प्रभु के लिए जीत लेना है। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए आंसू लगते हैं, उसके लिए बंद कमरे में घुटनों पे होके किसी के लिए दुआ करनी पड़ती है, उसके लिए सालों साल भी इंतजार करना पड़ सकता है, उसके लिए उसको लगातार प्यार करते रहना, वो आपका निवेश है उसकी जिंदगी में जो करना होगा आपको। सो एनीवे फिनिश करते हैं, दो या तीन लोग, सारे बोलो कितने, सारे बोले दो या तीन लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते उनके लिए लगातार मुझे प्रार्थना करनी है, उनको प्यार करना है और अवसर ढूंढना है उनको प्रभु के बारे में बताने के लिए। ट्राई करो, प्रभु इस के जरिए भी आपके द्वारा किसी को राज्य में ला सकता है।
क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे जैसे तपसन्ना हमारे चर्च में पहुंच गए, किसी ने जाके बताया नहीं, अपने आप चर्च में घुस के आई थिंक यहां कहीं बैठे होंगे, पहली बार चर्च में आए, किसी ने बताया नहीं, पर वचन सुना, बदल गए, दिल बदल गया। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं है, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है लोगों को आशीष पहुंचाने के लिए। आपके पास प्रभु यीशु मसीह पर्सनली आए थे बताने के लिए, मुझ पे विश्वास करो अनीता, अद्भुत ढंग से आपके बच्चे गए थे आपके पास, राइट? तो परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल, आपके पास सुसमाचार कैसे आया? किसी व्यक्ति के द्वारा आया। मेरे जीवन में कैसे आया? पास्टर अरविंद के द्वारा आया, एक व्यक्ति के द्वारा मेरे पास प्रभु का सुसमाचार पहुंचा। आपके द्वारा कितनों तक पहुंच रहा है, यह सवाल है। यह ऐसी कलीसिया होनी चाहिए दूसरों को जो प्रभु के बारे में बताए। अपने कलीसिया के अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना कि कलीसिया में से अगुवे खड़े होने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बताया, कलीसिया में से अगुवे खड़े होने चाहिए, कलीसिया में से ऐसे मिशनरीज और पास्टर्स और बाइबल अनुवाद करने वाले और गीत भजन लिखने वाले और मसीही किताबें लिखने वाले और बाइबल स्टडी 10 लोगों के लिए बाइबल स्टडी चलाने वाले। मैं कोचिंग में कैसे परिवार को जानता हूं, उनका उदाहरण मुझे हमेशा इनकरेज करता है। ये पति पत्नी, इनका अपना बिजनेस है और ये हर शनिवार 120 किलोमीटर पिछले 11 सालों से एक छोटे से झुंड को बाइबल सिखाने के लिए जाते हैं हर शनिवार, और रात को लौटते हैं 2:30 बजे और अगले दिन सुबह अपने चर्च में पहुंचते हैं। पति पत्नी है, कोई उनका चर्च नहीं है, पास्टर वास्टर नहीं है, वो अपना दुकान चलाते हैं, लेकिन 11 साल से ये है कमिटमेंट। 11 साल से 120 किलोमीटर दूर एक छोटे से झुंड को बाइबल सिखाने के लिए वफादारी के साथ जा रहे हैं। किसी अखबार में उनका नाम नहीं आता, किसी बुलेटिन में छपा नहीं होता, किसी वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन लोगों को वो प्रभु के बारे में आगे अपनी सेवा कर रहे हैं। आप ऐसे बन सकते हैं। किसी की नकल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी अपनी सेवा पूरी करने के लिए बोल रहा हूं। जो सेवा प्रभु ने आपको दी है, जो उसके राज्य में आपको करनी है सेवा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रभु ने जो सेवा आपको दी, आपको पता है यह सेवा मुझे प्रभु ने दी है? हम में से शायद बहुतों को पता ही नहीं है यह सेवा मुझे खुदा ने दी है। बहुत से कम लोग हैं जिनको अपनी सेवा का आभास है, ज्ञान है कि खुदा ने मुझे ये काम दिया है और मुझे ये काम करना है, और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूं, दूसरों को आशीष पहुंचाने के लिए ये काम करता हूं। तो आपको प्रार्थना करनी कि हमारे कलीसिया में ऐसे सेवक दास खड़े हों जो परमेश्वर की सेवा करें, और ताकि संख्यक उन्नति सिर्फ यीशु नाम सत्संग की ना हो। हो सकता है यहां से एक आदमी खड़ा करके खुदा हिसार भेजना चाहता है, हो सकता है आप में से एक पति पत्नी परमेश्वर तैयार करके आपको कानपुर भेजना चाहता है, हो सकता है आप में से किसी को तैयार करके खुदावंद आगरा भेजना चाहता है, हो सकता है आप में से कोई है जिसको खुदा रांची में एक चर्च स्थापित करने के लिए भेजना चाहता है, हो सकता है आप में से कोई है जिसको परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग झारखंड में जाके वहां पर तुम मेरे नाम का प्रचार करो, हो सकता है आप में से कोई है जो हमारे जितने भी हमारे नाथूपुर पहाड़ी और रजोखरी और जितने भी ये हमारे एरियाज हैं, हो सकता है यहां पे एक नया काम करने के लिए प्रभु आपको बुला रहा हो। वो काम कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो काम यही है, रोज आधा घंटा मुझे नाथूपुर और यू ब्लॉक की गली में चल चल के प्रार्थना करनी है उद्धार के लिए, यही आपकी सेवा है। और आप बस अपने दफ्तर से आए, आपने मुंह धोया, आपने चाय पी, आपने एक ब्रेड खाया, 2 बिस्किट खाए, और पति आने वाला है इसलिए जल्दी से खाना बना लिया, या भाई लोग थके हुए हैं, आपके बच्चे बोल रहे हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन आपकी सेवा है। क्या सेवा है? अपने दफ्तर से आए, मुंह धोया, चाय पिया और अपने जूते पहने और अपने एक हाथ में रुमाल लिया, हो सकता है अपने फोन में प्रभु के गाने चला लिए और जेब में फोन डाला, और आधा घंटा हर रोज पैदल चल के आप प्रार्थना कर रहे हो, चल चल के। किसी को नहीं पता ये आदमी क्या कर रहा है, आप और किसी को दिखाना नहीं है, हाथ उठा उठा के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं, आप बस चल, आपके आपका मन प्रार्थना कर रहा है, जहां आप लोगों को देखते हैं इन लोगों के उद्धार के लिए चलते फिरते आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये आपकी सेवा हो सकती है।
पूछे प्रभु से, खुदा तूने मुझे क्या सेवा दी है? तूने पास्टर जॉय को तो सेवा दे दी, तूने सोनू भैया को सेवा दे दी, तूने सैरा दीदी को सेवा दे दी, तूने निकिता को सेवा दे दी, तूने उषा को सेवा दे दी, तूने प्रखर को सेवा दे दी, मुझे भी तो दे परमेश्वर। क्या आप केवल सेवा पाने वाले हो? आप सेवा करने वाले हो। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तू क्या काम मुझसे लेना चाहता है, और उस काम में जुट जाए। आप अनपढ़ हैं, आपको क ख ग नहीं आता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप आत्मा से भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बात को गंभीरता से लें। आपका जीवन हल्का फुल्का नहीं है। आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, आपका समय व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर के राज्य में आप सेवा करने वाले बने। वो सेवा छोटी से छोटी सेवा हो सकती है, आपको मालूम है। हो सकता है आपकी सेवा ये हो कि आप महीने में दो बार एक अनाथाश्रम में जाके बच्चों के साथ खेले, सिर्फ खेलना, उन अनाथ बच्चों के साथ जाके मात्र खेलना, यही आपकी सेवा है। आप उनके दिल को वो आनंद पहुंचा रहे हो जिस आनंद के लिए वो बच्चे तरसते हैं। आप ढूंढो आपकी सेवा क्या है। हो सकता है आपकी सेवा यह हो कि आप अपने घर में 10,000-20,000 प्रभु के सुसमाचार के पर्चे अपने घर में रखें, और जब घर से बाहर निकलो, कभी चाहे आप सब्जी खरीदने जाओ, चाहे आप दवाई खरीदने जाओ, लेकिन आपकी जेब में प्रभु की महिमा के पर्चे हैं, सुसमाचार के पर्चे हैं, ट्रैक्ट्स हैं आपकी जेब में, और जो आपको मिलता जाए बांटते जाओ। हो सकता है अपने जीवन काल में आप 1,000,000 पर्चे बांट देंगे, और हो सकता है उनमें से 10 लोग विश्वास में आ सकते हैं। तो आप ढूंढें आपकी सेवा क्या है। मैं आपको सिर्फ 10-20 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन हो सकता है 20,000 अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्रभु आपको देता है, बस आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि आप बड़े व्यस्त हो ना, नौकरी करने में और आलू टमाटर खरीदने में और अपना घर चलाने में। लेकिन प्रभु के राज्य में सेवा करनी है, और वो पास्टर बनना नहीं है, अपनी नौकरी छोड़ के चर्च में आ जाना और यहां पे सेवा करना, वो नहीं है। वो एक छोटा सा तरीका है जो प्रभु इस्तेमाल करता है जिसको उस काम के लिए उसने बुलाया है। बाकियों को सेवा करनी है। जो पास्टर है वो भी करते हैं, सेवा करते हैं। सबकी, सारे बोलो, सबकी सेवा अलग अलग है। सब बोले सबकी सेवा अलग अलग है। तो आप प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया संख्यक उन्नति के लिए काम करे। हो सकता है आपकी सेवा के द्वारा आपको कोई व्यक्ति मिला दिल्ली में, क्या बोलते हैं उसको, कीर्ति नगर। आप कहीं पे गए, आपको कोई व्यक्ति मिला कीर्ति नगर, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे, हाँ भाई आप ना मेट्रो पकड़ के ऐसे आ जाएं, और आप, उसके लिए मुश्किल होगा यार, वो इतनी दूर से नहीं आ सकता। तो आप उसे कीर्ति नगर में, मुझसे पूछें, किसी से पूछें, कीर्ति नगर में एक चर्च ढूंढें, उस व्यक्ति को कीर्ति नगर के चर्च में पहुंचा दें। हमारा मकसद ये मत सोचना यीशु नाम सत्संग बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स वो हमारा पहला सपना है, क्योंकि हमें प्रभु ने यहां पे रखा है, हम काम कर रहे हैं, हमें लोग चाहिए, हम चाहते हैं कि राज्य बढ़े। लेकिन फिर कहीं पे भी हो, वो किसी भी कलीसिया में लोग जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका सपना होना चाहिए प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु लोग तुझे जाने, प्रभु लोग संसारिकता से छोड़ दें, प्रभु लोग शैतान के बंधन में है उन्हें निकाल ले, प्रभु तूने मुझे निकाला इनको भी निकाल। इस तरह की दुआ प्रार्थना करना आप लोगों का जीवन शैली होना चाहिए। और सेकंड लास्ट पॉइंट यही है कि कलीसिया के लोग सताव सहने के लिए तैयार हों, क्योंकि आप जब खुदा का काम करेंगे आपको हमेशा ढोल नगाड़े वाला माहौल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ढोल नगाड़े वाला माहौल शायद आपको 4-5 सालों में एक बार मिलेगा, बता रहा हूं मैं आपको, जहां बड़ा मजा आए, बड़ा आनंद हो, 100 लोग बपतिस्मा ले लिया, बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, फोटोएं खींच रहे हैं लोग, अरे है, मतलब लड्डू खा रहे हैं, मजा, खुदा तेरा राज्य आ गया, हालेलुया। ऐसा हमेशा आपको महसूस नहीं होगा, आपको दुख होगा, आपको पीड़ा सहना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन सहना पड़ेगा, आपको लोग आपके मुंह पे थूकेंगे, लोग आपको गालियां निकालेंगे, लोग आपको नकारेंगे, लोग आपको कट्टरपंथी बोलेंगे, लोग आपको क्या क्या बोलेंगे। तैयार हो इसके लिए। ये कोई जॉय राइड नहीं है। प्रचार सुना है हमने, सेवा, चलो सब सेवा करते हैं, आए हाय बड़ा मजा आ रहा है, सेल्फी खींच रहे, ऐसा माहौल थोड़ी होने वाला है। दुख होगा इसमें। पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है मैं अपने
अपनी देह में मसीह के क्या बोलते हैं वूंड्स को, घावों को लेके चलता हूं, घावों को। जब घाव क्या होता है, दर्द लेके आता कि नहीं लेके आता? घाव दर्द लेके आता है। वो तो ये तक कहता है कि मसीह के कुर्बानी में जो कमी रह गई थी, वो तो ये तक बोल देता है कि मसीह की कुर्बानी में जो कमी रह गई थी उसको मैं पूरा करता हूं। अर्थात मसीह ने सब कुछ कर दिया, लेकिन उस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जो कष्ट होगा वो मैं उठाता हूं। वो ये भी कहता है मेरा मन करता है मैं मर के प्रभु के पास चला जाऊं। तभी कहता मेरे लिए मरना नफे की बात है, नफा मतलब मुनाफे की बात है, फायदे की बात है। मेरे लिए मरना फायदे की बात है। क्यों? क्योंकि पौलुस खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो यीशु के दर्शन एक बार किए थे, दोबारा करने की इच्छा रखता है। वो कहता है मेरा मरने का मन करता है, मैं खुदा के दर्शन करना चाहता हूं। पर क्या कहता है? वो कहता है मैं लेकिन लोगों की खातिर दुनिया में जीवित हूं, क्योंकि मैं दूसरों तक खुदा के कलाम को पहुंचाना चाहता हूं। और उस वो काम जब वो करता है, लोग उसको गलत समझते हैं, लोग उसके अधिकार को तोड़ते हैं, लोग उसके इंटेंशंस के ऊपर लोग शक उठाते हैं, लोग उसे मारते हैं। एक बार कहता कि हमने तो मौत चख ही ली थी, ऐसे ही लिखता है। हमने तो क्या लिखता है? हमने तो मौत जैसे चख ही ली थी। तो प्रभु का यदि आप सेवा करना चाहते हो, मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूं, यह हमेशा आनंद वाला माहौल नहीं होगा, यह कष्ट उठाने वाला। आपको हमेशा निराशा का सामना करना पड़ेगा। कईयों को लग रहा है यह कैसी शिक्षा है। आपको प्रभु के राज्य में यदि सेवा करनी है, आपको निराशा का सामना सदा सदा तक करना पड़ेगा। कभी कभी प्रभु में बीच बीच में प्रभु आपको हिम्मत देने के लिए आपको बस चमत्कार दिखाते ताकि आप चलते रहो। लेकिन जब तक इस दुनिया में जीवित हैं, खुदा के लिए काम करना है, तब तक कष्ट के साथ सेवा करनी है, दुख के साथ सेवा करनी है, दुखों का सामना करना पड़ेगा। आपको नकारा जाएगा, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा, शायद हजार में से एक विश्वासी आप उत्पन्न कर पाएंगे। आप किसी को प्रभु का वचन बता बता के थक गए हैं, लेकिन वो बदल नहीं रहे हैं। कभी कभी हमारे मेरे दिल में कभी कभी ऐसा आता है, प्रभु शायद मुझे एक बात पता चली हमारे चर्च के किसी परिवार की, और मैंने मेरे सोनू को मैंने कहा सोनू शायद मैं ठीक पास्टर नहीं हूं। मैंने उससे कहा कि 6 साल हो गए हैं और उन लोगों के जीवन के अंदर हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। मैंने इससे कहा सोनू शायद मैं ठीक व्यक्ति नहीं हूं, ये इस प्रकार की भावनाओं को सहना पड़ता है। जब डाउट, यूहन्ना बपतिस्मा खुदा का प्रचार करता रहा, आज वो दुविधा में है, प्रभु है कि नहीं है, कहां है प्रभु, कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं। इस प्रकार के दुखों के साथ अपने तकिए पर हम सिर रखते हैं, यही सोचते सोचते आंखें बंद हो जाती हैं। सुबह उठते हैं तो लोगों का नाम आंखों के सामने आता है, लोग नहीं बदल रहे होते हैं, इस प्रकार का दुख है ये। लेकिन इसमें अगर हम हार मान गए तो शैतान डांस करेगा, लेकिन अगर लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, जुटे रहे, तो खुदा जरूर हम पे दया करेगा। तो सेवकाई को बहुत मजे की बात ना समझो, सेवकाई मजे के लिए नहीं होती है, सेवकाई खुदा के दर्शन, खुदा की महिमा के दर्शन के लिए होती है। खुदा मैं चाहता हूं ये व्यक्ति तेरे नाम को पुकारे, दूसरों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना, दूसरों के जीवन में परमेश्वर का काम होते हुए देखना, इसकी कामना करना, यह सेवा का असली भाव है। आप प्रसिद्ध हो जाएं, लोग आपको पूछें, गलत है, यह शैतान का काम है। लेकिन चाहे कोई आपको पहचाने ना, शायद कोई आपको जाने ना, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को हिम्मत पहुंचाई है, वो आपकी सेवा है। इस प्रकार की यहां से होती है संख्यक उन्नति। फिर चाहे एक ही व्यक्ति आप बढ़ाए, संख्यक उन्नति वो भी है जब कोई खुदा को छोड़ने वाला है, लेकिन आपने उसको प्रभु से दूर हो जाने से आपने उसको बचा लिया, वो भी संख्यक उन्नति है। बना के रखना, सबको जोड़ के रखना, कोई भटक ना जाए, कोई चला ना जाए, ये भी संख्यक उन्नति है मेरे भाइयों बहनों। इन चीजों के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा दिल बदल दे, मेरी सोच बदल दे। इट बिगिंस विद अ चेंज्ड यू। जब आप बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी।
जब आप बदल जाएंगे खुदा आपके साथ साथ काम करेगा, जब आप बदल जाएंगे परमेश्वर अपना दिल आपके सामने खोलेगा, जब आप बदल जाएंगे तो आप जब अकेले बैठेंगे ऐसे लगेगा परमेश्वर बता रहा है ये कर। इसीलिए हमें जब भी प्रार्थना करते हैं अपने कलम को साथ रखना चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करते हो ना अपना पेन रखो साथ में, आपके प्रार्थना में जो ख्याल आते हैं शायद वो प्रभु आपसे बात कर रहा है, लिख डालो उसको, मुझे प्रभु ने प्रार्थना में कहा था। जब तक समय नहीं बिताओगे प्रभु के साथ, प्रभु की सेवा के लिए आप प्रभु की शक्ति को ग्रहण नहीं कर और अपनी शक्ति में सेवा करोगे विफल हो जाओगे। इसलिए प्रभु की महिमा आपका दर्शन होना चाहिए। मेक गॉड्स ग्लोरी योर विजन, परमेश्वर की महिमा, बस खुदा का नाम जलाल पाए, खुदा का नाम आगे बढ़े। क्यों नहीं है मेरे देश में आज सिर्फ 2% लोग क्यों है? खुदा 2000 साल हो गए तेरे सुसमाचार को प्रचार करते हुए, लेकिन मेरे देश में सिर्फ 2% लोग हैं। हर एक त्योहार जो सच्चाई पे आधारित नहीं है कितनी धूमधाम से मनाया जाता है खुदा, लेकिन तेरे 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 वचन का जश्न देखने को क्यों नहीं मिलता? रोए इस बात को लेके खुदा, मुझे रात रात को अलग अलग तरह की आवाजें आती है ना, रात को कोई डांस कर रहा होता है, कहीं शादियां हो रही होती है, कहीं भंडारे चल रहे होते हैं, कभी प्रभु को बोलो खुदा रात रात को तेरे नाम का सत्संग सुनने की आवाज सुनना चाहता हूं मैं, जहां रात भर लोग बड़ा टेंट लगा के सब लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, जहां जाऊं जिस गली में जाऊं मुझे चर्च दिखे। आजकल हर गली में और बहुत कुछ है, आपको दुआ करने खुदा हर गली में, गुड़गांव की हर गली में चर्च बना, हालेलुया। प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की महिमा, आपका दर्शन होने पाए। और इसी और अंत में खत्म करूंगा, बस दुनिया भर में खुदा का काम हो इसके लिए दुआ करें, गुड़गांव तक सीमित ना रहें, दुनिया भर में खुदा का राज्य आए। कितने देश हैं जहां पे परमेश्वर का नाम प्रचार करना अलाउड नहीं है, बहुत से देश हैं। हम तो सत्संग चला रहे ना बड़ा माइक लेके, बहुत से देश हैं जहां ये प्रतिबंध लगा हुआ है, कर नहीं सकते। बहुत से देश हैं जहां कोई बाइबल पढ़ता हुआ दिख गया उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत से देश हैं जहां पे परमेश्वर का नाम प्रचार खुलेआम नहीं कर सकते। अभी भी दुनिया में 40% लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, 40% लोग दुनिया में अब तक प्रभु यीशु का नाम नहीं सुना है। आप अपना एक छोटी सी कलीसिया लेके बैठे हो, यीशु नाम सत्संग, सोचते हैं कि बड़ी दुनिया आप लोगों ने जीत ली है। दुनिया भर में लोग बिना प्रभु के आशा में नहीं जी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हर रोज एक खबर तो आती है आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जिसने कहा था मैं तुम्हें आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। यह संदेश वो सुन नहीं पाए और मर गए, नष्ट हो गए। इसलिए पूरी दुनिया में हमारा स्कोप ग्लोब है, हालेलुया। हमारा स्कोप जो है वो पूरी दुनिया है। आपकी प्रार्थनाओं का दायरा गुड़गांव तक खत्म मत करो, अपनी प्रार्थनाओं का दायरा इस देश तक भी खत्म मत करो, आपकी प्रार्थनाओं का दायरा पूरी दुनिया को घेर लेना चाहिए और दुनिया भर में परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि एक दिन आएगा वो बादलों पे नजर आएगा। हालेलुया। आंखें बंद करें अपनी, खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में और अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा लें प्रभु की ओर, प्रभु से मांगो वो दर्शन जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी नीड टू मूव आउट ऑफ अवर स्मॉल वर्ल्ड्स, हमारी छोटी छोटी दुनिया से हमें बाहर निकलना है और अपनी आंखें आसमान की ओर लगानी है, जहां से यीशु वापस आएगा और दुनिया का न्याय करेगा। उसकी महिमा के कामों का क्या हम हिस्सा बनेंगे? उसके राज्य के कामों के लिए क्या हम हिस्सा बनने को तैयार हैं? दूसरों को बताने के लिए प्रभु के बारे में क्या हम तैयार हैं? प्रभु को बोलें खुदा मुझे तैयार कर। आप लोग प्रभु से बात करें, मैं आपको यह समय दूंगा प्रभु से बात।